नमस्कार और मित्रों कैसे हो भाई लोगों, आज से आपका भाई काफी दिनों बाद आया है। आज से आपका भाई डेली वीडियो डालेगा, डेली एक वीडियो आएगा आपके लिए और बहुत ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आएंगे। इतने अच्छे इंफॉर्मेशन के आएंगे कि आप शॉक हो जाओगे। तो चलिए टॉपिक शुरू किया जाए, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे वही दो बातें कर लेता हूं मैं। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे 15 से 20 वीडियो अपने बहुत अच्छे चल रहे थे डिलीट करने पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे नए नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्को चैन या डबल कड़ी की चैन, एक कड़ी के अंदर दो कड़ी खो देते हैं वो वाली चैन। तो चलिए आपको दिखाते हैं डिस्को चैन होती क्या है, कैसे होती है। तो भाई लोगों ये है डिस्को चैन, ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्को चैन कहलाती है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको बनाने का तरीका। सेम ये बिच्छा चैन या करप चैन ही है, बस इसके अंदर क्या है, एक कड़ी के अंदर हमने दो कड़ी को पो रखा है। और ये कैसे पाई होती है, ये इससे बनती है, ये हमारी मशीन है। तो मशीन पे ऑयल वॉयल लगा दिया है, जंग नहीं लगे, तो आप देख रहे होंगे ऑयल लगा हुआ है। तो इसी मशीन से ये करप चैन बनती है। अब ये हमने बनाई कैसे है, सॉरी करप नहीं है, डिस्को चैन है, इसी से बनी है। अब ये बनाई कैसे है, तो अगर आपको मशीन से बनते हुए देखना है इस चैन को तो आप बताइए और मैं चला के दिखा दूंगा, ठीक है, मशीन से बनते हुए भी दिखा दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि ये डबल कड़ी है, इसको डबल कड़ी और डिस्को चैन बोलते हैं। और इसका प्रयोग क्या है, तीन चार तरीकों से किया जाता है। बहुत ही पुरानी डिजाइन है, ये बहुत पुरानी डिजाइन है, काफ़ी समय से चल रही है, सितारा किस्म की है। दो तरीके से ये चलती है, ऐसे भी चलती है, पायल में भी लगती है, ऐसे गले में भी पहनते हैं। और इसको पक्का करने के बाद इसको ऐंठ देते हैं, ट्विस्ट लगा देते हैं या कटिंग कर देते हैं तब भी चलती है, या इसको बेलन में प्रेस कर देते हैं उसके बाद चमक आ जाती है फिर भी चलती है। तो ये हो गई हमारी डिस्को चैन और ये हो गई इसकी मशीन। और आप कमेंट में बताइए और वीडियो किस पर बनाएं। ये सब हमारा चैन मशीनों का सामान रखा हुआ है ऊपर से नीचे तक, एक एक करके आपको समझाएंगे चैन मशीनों में क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है। तो कल कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, अलविदा। और चैनल पे पुराने वीडियो को एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए।